ये देखें जी, फाइनली हम खुम्बी ढूंढने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि बारिशों का मौसम है। अच्छा, पिछली बार भी मुझे इसी जगह से मिली थी खुम्बी, और किसी जगह से नहीं मिली थी। सारे मैंने विज़िट कर लिया था, क्योंकि एक दो वीडियोस के अंदर ना मैं खुश्क मशरूम दिखा चुका था इस एरिया के अंदर, तो उससे मुझे यकीन हो गया था कि एटलीस्ट एग्जिस्ट तो करते हैं इस ज़मीन के अंदर ना मशरूम। लेकिन कुदरती बात है, ये कोई ख़ास जगह है, हर बार बारिश के बाद इधर ही मशरूम होता है इसी एरिए के अंदर। इसके अलावा कहीं भी पूरे प्लाट में मैंने फिर लिया, कहीं कोई मशरूम नहीं उगा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट ढूंढने में तो हम कामयाब हो गए हैं। ये खुम्बी है जी, ये भी मशरूम की किस्म है और बिल्कुल अच्छे तरीके से खाने के काबिल है। ये एडिबल मशरूम है, सही है, और ये होता है कुदरती तौर पे, इसका कोई स्पान नहीं तैयार होता, ठीक है। किसी तरीके से आप इसे नहीं उगा सकते किसी माहौल के अंदर, बस कुदरती ये बारिश के बाद होता है। हाँ, बटन मशरूम आप ग्रो कर सकते हैं, और कई जो हैं वो मशरूम की क्वालिटीज़ हैं जिसे आप ग्रो कर सकते हैं घर के अंदर, फार्म के अंदर, कहीं भी। लेकिन ये एक ख़ास मशरूम है, इसका ना स्पान बनता है ना कोई बीज है, ये कुदरती जहाँ उगता उगता है, और डेजर्ट के अंदर जैसी बारिश हुई दूसरे दिन बहुत बड़ी मकदार में आपको मिल सकता है। लेकिन ये आपको जगह का पता होना चाहिए कि किस जगह पे मिलेगा, और होता ये डेजर्ट इलाके में, ठंडे इलाके में ये नहीं होता, ये गर्म इलाके का। देख लिया, ये देखिए भी लगे हुए दो, ये लगे हुए दो इकट्ठे ही एक जगह पर उगे। क्या जहरीला थोड़ी है ये मशरूम, ये तो खाने वाला बेटे। हाँ, ये जहरीला, लेकिन बच्चों को भी पता है कौन सा जहरीला चीज़ है और कौन सी चीज़ ठीक है। यहाँ पे सिर्फ तीन ही हमें मिले हैं, बाकी मैं अभी फाइंड करूँगा, और अगर मिल गया तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगा। क्या चीज़ है? कद्दूरी टिंडा, छोटा सा है बेटे, ये ख़राब हो रहे हैं गर्मी की वजह से, तो जैसे बारिशें पड़ रही हैं मुझे लगता है और भी हो गए होंगे। मैं ढूंढता हूँ, अगर और कोई मिला तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे।